question. For what value of k are the roots of the quadratic equations kx into bracket of x minus 2 root 5 plus 10 equal to 0 real and equal? तो इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यूज फाइंड करनी है और इसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल दिया हुआ है. तो पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं. के एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस टू रूट फाइव प्लस टेन इक्वल टू जीरो. के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव के एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो. इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की वैल्यू के होगी, बी की वैल्यू माइनस टू रूट फाइव के, सी इक्वल टू टेन. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट. तो डी की वैल्यू जीरो होगी और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. और अब हम ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो ये आएगा टू रूट फाइव के होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू टेन इक्वल टू जीरो. सो इम्प्लाइज दैट 20k² माइनस 40k इक्वल टू जीरो. और इसमें हम 20k कॉमन लेंगे तो ये आएगा k माइनस 2 इक्वल टू जीरो. सो 20k इक्वल टू जीरो और k माइनस 2 इक्वल टू जीरो. k इक्वल टू जीरो बाई 20 इक्वल टू जीरो और k इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हम k की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते. अगर जीरो पुट करेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा. सो आवर आंसर इज़ k इक्वल टू 2.